तारांबेनं सविताला स्वतःच्या शेतात काम करायला सांगितलं. सवितानं नकार देताच तिला खाली पाडलं आणि शिवीगाळ करत तिला बेदम मारहाण केली. इस दौरान किशोर के कपड़े उतार कर अश्लील वीडियो बनाया गया. विरोध करने पर दबंगों ने मासूम पर पेशाब करने की कोशिश करते हैं. Stripped and thrashed with a belt. This was the fate of two Dalit boys in Maharashtra's Jalgaon village, place in Gujarat's Mehsana, where a Dalit was assaulted. Here too, a video was shot to shame the victim. His fault? That he dared to show off that body etiquette. That he wore mojri shoes and a gold chain like the upper caste. पिछले 5 सालों में हम दलितों के साथ जो हुआ है वो स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद ही कभी हुआ होगा. आपने हम दलितों की 91% नौकरियां कम कर दी, इसलिए हम आपसे नौकरी की अपेक्षा बहुत पहले ही छोड़ चुके थे. आपके राज्य में औसतन हर रोज 6 दलित महिलाएं बलात्कार का शिकार होती है. हम दलितों पर होने वाले अत्याचारों में 5.5 की वृद्धि हुई है, इसलिए हमने आपसे यह अपेक्षा भी छोड़ दी कि आप बतौर प्रधानमंत्री बिजली, सड़क, पानी जैसे हमारी बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देंगे. हम आपसे सब अपेक्षाएं छोड़ सिर्फ और सिर्फ एक चीज की आशा रखते थे कि भले ही आप हमें सुरक्षा प्रदान ना कर सके, पर कम से कम उन लोगों को तो साथ ना देंगे जो हमारे आत्मसम्मान की हर रोज धज्जियां उड़ाते हैं. पर अफसोस, आपसे यह भी हो न सका. आपके द्वारा मनोनीत उत्तर प्रदेश के मंत्री हम दलितों से मिलने के पहले साबुन भिजवाते हैं, हम पर इत्र छिड़कवाते हैं. हम नहीं भूले हैं ऊना को, सहारनपुर को, भीमा कोरेगांव को. हम नहीं भूले हैं हमें शादी पर घोड़ी चढ़ने के लिए मारा गया. हम नहीं भूले कि हमें मूछ रखने के लिए हमें पीटा गया. हम नहीं भूले कि हमारे साथी को गरबा देखने के लिए चाकुओं से गोदा गया. हम ये भी नहीं भूले कि आपके उत्तर प्रदेश में आपके लोगों ने हमें फसल कटाई से मना करने पर पेशाब पीने के लिए मजबूर कर दिया. कल्पना कीजिए क्या गुजरी होगी उस समय. आप एक बार तो क्या हजारों जन्मों तक हमारे पाप धोएंगे तब भी आपके ये पाप नहीं कटने वाला. आपके लोगों ने हमारे शरीर पर नहीं, हमारे आत्म स्वाभिमान पर लगातार निरंतर प्रहार किए हैं. शरीर के गांव तो भर जाएंगे पर हमारी आत्मा छल्ली हो चुकी है. हम और हमारे बच्चे जिन्होंने ये सब मंजर देखे हैं, हमारी इज्जत हर रोज तार तार होते महसूस किया है, वो तो हरगिज माफ नहीं कर सकते. हाँ, बाकियों को भी भड़काने के आपके यत्न कतई कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि भारत के लोग सर्वप्रथम इंसानियत के साथ खड़े होते हैं और फिर उसके बाद देश और फिर राजनीतिक दलों के साथ. हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा.